प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के सुझाव देने के बाद किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से देपालपुर में एक दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यहां क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बुलाया, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह ने भी भाग लिया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों के अलावा कलेक्टर द्वारा प्राकृतिक खेती के मुख्य आधार स्तंभ बीजामृत, जीवामृत, निर्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र के बारे में विस्तार से बताया, जिसे किसानों ने खूब पसंद किया। प्राकृतिक खेती सबसे सहज और सरल है। प्रकृति के सभी पेड़ पौधे आपसी संबंधों पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें रासायनिक खाद और उर्वरक, खपतवार नाशक और फफूंद नाशक की आवश्यकता नहीं होती। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अपने गोबर के गोबर घर में अपना गुड़ हो गया उसकी हो जाएगी, बेसन रहता है घर में उसकी हो जाएगी, कोई मेड़ की या कोई पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें कि जीवाणु ज़्यादा रहते हैं, जिसमें कैंकर जीवाणु ज़्यादा रहते हैं, या सरसों का तेल या ऐसी ऐसी पत्तियाँ जो सब खेतों में होती हैं, उस तरह की पत्तियों में जो सारी चीज़ें होती हैं, अपने को न खाद में खर्चा होना है, खाने में अपने को गोमूत्र से और खर्चा होगा। अपन 1.5 किलो गुड़ डाल रहे हैं और 1.5 किलो गुड़ डाल करके और अपना 1 एकड़ की खाद मिल रही है, उतना ही खर्चा 1.5 किलो गुड़ का खर्चा और 1.5 किलो बेसन का खर्चा, इतना ही खर्चा आया अपना। भाई, इस जनपद कार्यालय में देपालपुर में प्राकृतिक खेती को लेकर के यहाँ के जितने सभी पंचायतों के जो प्रमुख किसान भाई थे हमारे, उनको बुला करके एक पूरा ब्रीफिंग सेशन था, वर्कशॉप टाइप की थी, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन जो एक्सपर्ट्स इस क्षेत्र में वो भी आए थे। इस क्षेत्र के किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो भी आए थे, और अन्य क्षेत्रों से भी जो हमारे ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। प्राकृतिक खेती में खाद को लेकर के जो जीवामृत है, जो घन जीवामृत है या बीजामृत है, कैसे बनाया जाता है, क्या फ़ायदा है, केवल एक गाय जो देशी नस्ल की एक गाय 30 एकड़ की खेती के लिए कैसे खाद का 100% खाद उपलब्ध करा सकती है, जीवामृत के रूप में, घन जीवामृत के रूप में या बीजामृत के रूप में। इसी प्रकार से हमारे घर में जो वस्तुएं हैं, चाहे तंबाकू एक खरीद के ले आएँ, चाहे हरी मिर्ची हो, चूना हो, इसको कैसे, और पत्तियों की जो पेड़ों की पत्तियां हैं, नीम हो गई, अलग अलग करंज हो गया, अलग अलग जो वृक्ष रहते हैं उसके बारे में बतलाया गया, किस प्रकार से लगभग न्यूनतम कॉस्ट में कीटनाशक भी बनाए जा सकते हैं घर में, और लगभग न्यूनतम और ज़ीरो कॉस्ट में खाद भी बनाई जा सकती है। तीन प्रकार की जो आज खेती हो रही है, रासायनिक खेती हो रही है, एक जैविक खेती हो रही है, और तीसरी जो प्राकृतिक खेती जिसके लिए हम लोग आज आए हैं। प्राकृतिक खेती ही ऐसी है जिसमें किसान के जेब से लगभग न्यूनतम राशि निकल रही है। अगर उसको कंपेयर करें जैविक खेती से और रासायनिक खेती से, तो केवल 2-4% ही राशि निकल रही है, और बाकी उसका खाद और कीटनाशक स्वयं भी घर पर तैयार हो रहा है। जहाँ तक उत्पादन का बात है, उसके बारे में क्वेश्चन हुए, तो ये बतलाया गया कि उत्पादन कमी नहीं होगी, किंतु यह भी बतलाया गया कि अगर शुरू के समय में आप कुछ क्षेत्र लीजिए ताकि आपकी ट्रेनिंग हो जाए इसमें, क्योंकि शुरुआती दौर में कब जीवामृत उपयोग करना है, कब घन जीवामृत करना है, कब बीजामृत करना है, किस प्रकार से कीटनाशकों का उपयोग करना है, किसानों को थोड़ा ट्रेन होने में टाइम लगता है। जहाँ इन सब चीज़ों में कमी आती है तो उत्पादन में कमी लाती है शुरू में। अगर किसान ट्रेन हो जाता है और किसान अपना ट्रेन के रूप में सही समय पर सबका उपयोग करता है, तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, यह भी स्पष्ट किया गया। यह भी बताया गया कि जो ज़मीन की स्थिति है, अब लगभग ज़मीन की उपजाऊ वैल्यू ख़त्म होने लग गई है, अब ज़मीनों में कार्बन कंटेंट बहुत कम हो रहा है। अगर ये प्राकृतिक खेती करते हैं तो 3 से 4 साल में कार्बन कंटेंट इम्प्रूव होगा, और एक सीमा के बाद लगातार प्राकृतिक खेती करने से 3 से 5 साल में जो जीवामृत डालने की जो फ्रीक्वेंसी है या घन जीवामृत डालने की जो फ्रीक्वेंसी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर उपजाऊपना और अंदर कीटाणु जो मित्र कीटाणु जो तैयार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।